हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द फूडी साइंटिस्ट। यहाँ ओनम की छुट्टियाँ चल रही थी और हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, तो हमको कीड़े हैं, तो सोचा क्यों ना एक ट्रिप कर लिया जाए। और ऐसे में तमिलनाडु की गर्मी बहुत है, तो कोई बीच विजिट करना बहुत सही होगा। तो यहाँ तमिलनाडु में बहुत सारे बीचेस हैं फेमस फेमस, जैसे नागौर, कारिकल, वेलंकानी। नागौर यहाँ से बहुत क्लोज पड़ता है और सुना है वहाँ का रॉक बीच बहुत सही है, और नागौर में एक बहुत बड़ा फेमस दरगाह भी है, तो हो सके तो दरगाह जाएंगे, पर रॉक बीच जरूर जाऊंगा। तो चलिए चलते, हियर वी गो। गाइज, अभी जो ट्रेन का वीडियो दिखा था वो रेल फाटक का था। रेल फाटक जस्ट नागौर बीच से पहले का आता है, तो वो ट्रेन वहीं से जा रही थी तो रुकना पड़ गया थोड़ा। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ नागौर बीच इन जस्ट 3, 2, 1। सो गाइस, ये रहा नागौर बीच, बहुत ही सुंदर है अगर आप पूरा देखो। और हाँ, यहाँ आने का एक पीक टाइम है, 4 से 6 के बीच में हो तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो धूप भी नहीं रहेगा, तो विज़िट करने का बहुत सही टाइमिंग है। 4 से 6 के बीच में आओ, फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, तो कमाल की जगह है। तो इसके बाद और एक जगह आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी हम यहाँ से पूरा चल के उस साइड जाएंगे और वहाँ एक रॉक बीच है। रॉक बीच नागौर का एक फेमस एक विजिटिंग प्लेस है, तो हम वहाँ जाके देखेंगे कि वो कैसा है। कितना सुना है उसके बारे में, मैंने सुना था ये पूरा बीच एक रॉक, एक बड़े बड़े रॉक से बनाया गया था और ये काफ़ी अंदर जाता है सी के। तो चलिए वहाँ भी चल लेते हैं, पर जाने से पहले थोड़ा टाइम लैप्स हो जाए। नागौर से निकल गली आता है, उस गली से आप थोड़ा निकलोगे तो आपको ये रॉक बीच आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा है। वाह, इस समुद्र और इस साइड बीच है, ये बीच के आप इस साइड से चले जाओगे तो नागौर पड़ता। चलिए आगे चलते हैं।
सो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ हाई टाइड्स है अभी, तो हाई टाइड्स की वजह से पूरा जाना बंद है अभी, तो हम जा नहीं सकते और थोड़ा सा ही बाकी था अगर आप देख पाओ तो। कोई नहीं, हम फिर आ जाएंगे। और बाय द वे भूख बहुत लग रही है तो कुछ खाने के लिए चलते हैं। चलिए विल मीट यू देयर। मैंने ऑर्डर दिया एक चिकन राइस, एक आंध्र चिकन में शेजवान चटनी और फ्राइड, इसके बिना तो खाना अधूरा है। तो कुछ इस तरह का है, खाया नहीं हूँ बट देख के मुँह में पानी आ रहा है। सो खाता हूँ और फिर बोलता हूँ कैसा है। सो गाइस अब नागौर के बारे में कुछ बात है। नागौर एक बहुत साफ बीच है, आप वहाँ अपने फ्रेंड्स को लेके जाइए, फैमिली को लेके जाइए, पिकनिक कीजिए, हैव अ गुड टाइम वहाँ। अगर सबसे बढ़िया टाइम आपको विजिट करने का बोलूँ तो आप 4 से 6 के बीच में जाओ, बहुत ही एक ओल्ड ब्रीज चलती है वहाँ और माहौल भी बहुत सही है, तो एक परफेक्ट मोमेंट क्रिएट होता है वहाँ जाके। और नागौर से निकल के आप रॉक बीच है, आप वो रॉक बीच पे जाओ। रॉक बीच बहुत ही लाइक बड़े बड़े पत्थर को घेर के एक ब्रिज तैयार किया गया है, बहुत ही अंदर तक जा रहा है, आप वहाँ तक जाओ। तो उसके बाद आप वहाँ से निकल के दरगाह जाओ, नागौर बीच का दरगाह बहुत फेमस दरगाह, तो दरगाह विजिट करो। और फिर खाने के लिए अगर आप बैक करो तो वहाँ मैं तो लक्ष्मी बार गया हुआ था। लक्ष्मी बार का खाने के बारे में कुछ बात है। लक्ष्मी बार का मैंने चिकन राइस और आंध्र चिकन लिया था, तो आंध्र चिकन का बारे में अगर बोलूँ तो बहुत ही वेल कुक था वो चिकन, एंड टेस्ट बहुत लाइक वो सेजवान जो चटनी दी थी उसके साथ वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके साथ वो बहुत अच्छा मैच कर रहा था। लाइक सेजवान चटनी के साथ चिकन एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा था राइट। तो सो आप वहाँ खा सकते हो, उसके बारे में खा सकते हो, या फिर वहाँ कुर्बानी बोल के एक अनदर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। कुर्बानी में मैंने ट्राई किया हुआ है, कुर्बानी की ग्रिल बहुत अच्छी है, ग्रिल आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप चिकन टाकोस ट्राई कर सकते हो, यहाँ उनको शर्मा बोला जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हो, चिकन शर्मा भी ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा है। और या टोटली अगर ट्रिप के बारे में बोल दैन वॉज थम्स अप। सो आप लोग विजिट करो नागौर बीच, सही में अच्छा है, आप जाओ, हैव फन। अगर इतना तो देख चुके हो तो एक लाइक तो बनता है, सो डू दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब का नंबर भूलिएगा। यू कैन फॉलो मैन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का नाम है फूडी साइंटिस्ट, और मैं हर वीक एक नया वीडियो लाने का पूरा कोशिश करूँगा। सो या दिस वीडियो लाइक एंड लौटूंगा एक नया वीडियो लेके, तब के लिए